इन दिनों रोजगार मेला ये मेरे लिए एक विशेष कार्यक्रम बन गया है। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि हर सप्ताह बीजेपी शासित किसी न किसी राज्य में रोजगार मेले हो रहे हैं, हजारों नौजवानों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और मेरा सद्भाग्य है कि मुझे उसमें साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, इतना ही नहीं है बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नई भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल ज्यादा सशक्त होगा और बेहतर होगा। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें नई शुरुआत और नई जिम्मेदारियों की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है अब तक यूपी पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं अकेले एक डिपार्टमेंट में। यानी भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। हम सब जानते हैं कि जहां भी कानून व्यवस्था मजबूत होती है वहां रोजगार की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती हैं। जहां भी बिजनेस के लिए सुरक्षित माहौल बनता है वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो एक प्रकार से टूरिज्म के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। अनेक तीर्थ क्षेत्र है, हर परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। जब कानून व्यवस्था मजबूत है ऐसी खबर देश के कोने कोने पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है। और इन दिनों हम देख भी रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण,
नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। साथियों, आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, यहां हाईवेज का लगातार विस्तार किया जा रहा था। अभी मुझे एक परिवार मिलने आया था, उनके साथ एक बेटी भी थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो एक्सप्रेस प्रदेश से हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। हर शहर से हाईवे को जोड़ने के लिए नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। विकास की ये परियोजनाएं रोजगार के अवसर तो बना ही रही है। क्रिसमस के समय गोवा जाते हैं, गोवा पूरी तरह बुक रहता है, लेकिन इस बार आंकड़े आए हैं कि गोवा से ज्यादा बुकिंग काशी में था। काशी के सांसद के नाते मुझे बहुत आनंद आया। साथियों, अब से कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैंने निवेशकों का उत्साह देखा है। हजारों करोड़ का ये निवेश यहां सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला है। साथियों, सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां और नए अवसर आने वाले हैं। रोज नया अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के एक सांसद के रूप में और इतने साल के मेरे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से मैं कहता हूं कि साथियों, भले आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आपके जीवन की एक शुरुआत हुई है, लेकिन आप अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। हर पल नया सीखना, क्षमता बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, और अब तो ऑनलाइन भी इतनी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, आपकी प्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है। आप अपने जीवन को कभी भी स्थगित मत होने देना। जीवन भी गतिशील रहे, जीवन भी नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और इसके लिए योग्यता को बढ़ाना। आपको सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है और इसे आप अपना प्रारंभ ही समझिए। आपको अपने व्यक्तित्व के विकास, अपनी प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप इस सेवा में आए हैं, इस भर्तियां में आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आप पुलिस के गणवेश में सज्ज होने वाले हैं,
सरकार आपको डंडा देती है हाथ में, लेकिन ये मत भूलना सरकार बाद में आई है, पहले परमात्मा ने आपको दिल भी दिया है, इसलिए आपको डंडे से ज्यादा दिल को भी समझना होगा, आपको संवेदनशील भी रहना है और व्यवस्था को भी संवेदनशील बनाना है। जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला है उनकी ट्रेनिंग में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए। यूपी सरकार पुलिस बल की ट्रेनिंग में कई बदलाव कर तेजी से सुधारने का काम कर रही है। यूपी में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथियों, आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नौजवानों पर आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ समाज को दिशा देने की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों के लिए सेवा और शक्ति दोनों का प्रतिबिंब हो सकते हैं। आप अपनी निष्ठा और मजबूत संकल्पों से ऐसा वातावरण बनाएं जहां अपराधी भयभीत रहें और कानून का पालन करने वाले लोग सबसे ज्यादा निडर रहे। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।